सो हे गाइस, मैं इमरान से स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सच क्वेश्चंस। मैं आपको छोटा सा पॉइंट और बता दूं, ये हमारे पास अगर मैं टर्म टू की बात करूं ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट बच्चों थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग भी लगता है, थोड़ा बच्चों से ये हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को प्ले करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोलिक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर। मीन्स हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, या फिर फोर ए वाई वाली इक्वेशन याद आ गई होगी हमें अच्छे से। सो देखो एक्स स्क्वायर है ना, सो कर्व कहां पर बनने वाला, सबसे पहले कर्व को ही बना लेते हैं क्योंकि बाद में पता चले कौन से वाले पॉइंट का हमें रीजन बोल सकते, कौन से रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। सो पहले कर्व को बनाने के लिए नॉर्मल हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गए, ठीक है। ग्राफ बनने कहां वाला है, एक्स स्क्वायर है ना, सो वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई स्क्वायर होता तो एक्स एक्सिस पे बनेगा। आपने इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी वीडियो देख ली होंगी, चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, टर्म टू की मैथ्स के नाम से, वहां से आप टर्म टू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है इस कर्व की, ठीक है। एंड वाई इक्वल में मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स के मॉडुलस की यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बहुत अच्छे से बता देते हैं। फंक्शन है वाई हमारे पास कोई भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ना। सो पता है मेरे पास एक्स पॉजिटिव कब रहता है और एक्स नेगेटिव कब रहता है। इफ एक्स पॉजिटिव कब रहेगा, ऑब्वियसली बात है जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आ जाएगी, और इक्वल वाला पार्ट भी यही रहता है, नेगेटिव में एक्स की वैल्यू लेस आएगी जीरो से, तो ऑब्वियसली बात है ना। अब इसके कर्व को बना, इसकी बोल सकते हैं इसके ग्राफ को बना लेते हैं, वाई इक्वल में एक्स कहां पर आएगा, नॉर्मली ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा अच्छे से आप भी, ये ग्राफ बनता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स का, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, ये वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब एक चीज और देखिएगा, ये वाले पार्ट के लिए लिमिट हमारे पास क्या आने वाली है, ठीक है ना। और एक चीज और क्या, कि हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट ना, मतलब 8.2 में कुछ ऐसे है कि लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, किसी कर्व की इक्वेशन भी गिवन है। सो लाइन और कर्व वाला पार्ट डिलीट भी हो चुका, लेकिन ये वाला पार्ट तो डिलीट नहीं है ना। इस टाइप क्वेश्चन को कैसे फेस करना है, वाई इक्वल टू एक्स नॉर्मल प्ले करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है क्या, y इक्वल एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x ही है लाइन की हेल्प से, सो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल कर आ जाएगा, प्लस चेंज इनटू माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक बार x की वैल्यू जीरो और एक बार x की वैल्यू वन। ये मैंने क्यों सॉल्व किया, तो यहाँ तो हमारे पास जीरो है और ये कहां पर है, वन पर है हमारे पास। सो जीरो से लेके वन वाला पार्ट, अब हमारे पास जीरो से लेके वन वाला पार्ट, x की वैल्यू वन यहाँ पर आ रही है, ऑब्वियसली बात है। सो देखो हमारे पास एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया कैसे निकलता है, एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई डी एक्स, वाई एक्सिस पे तो एक्स डी वाई। तो हमारे पास क्या, अब हमारे पास एक चीज और, अगर हम एक्स एक्सिस से लेते तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आती है, लाइन में से हमेशा कर्व को माइनस करेंगे, लाइन मेरे पास क्या है वाई, और वहां पर वाई क्या है एक्स स्क्वायर, सो लाइन क्या है एक्स, वो क्या एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे। अब इसकी लिमिट देखेंगे, एक्स एक्सिस पर लिमिट हमारे पास क्या है, जीरो से लेकर वन है हमारे पास, सो जीरो से वन है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड की बात करें तो सेम है, सो क्यों ना हम टू से मल्टीप्लाई कर लें, यस और नो, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा यहां तक कोई भी पॉइंट। मैं आपको बता दूं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट था, सेकंड इसका मतलब फंक्शन को समझने के बाद ही ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा आपको, फंक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने इलेवंथ में भी देखा है काफी जब, मतलब इलेवंथ में इस कॉन्सेप्ट थे, ट्वेल्थ में भी, टर्म वन में भी देखा होगा आपने लिमिट वाले कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ग्राफ बनाने के बाद एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमें ध्यान ही रहेगा, लेकिन सेकंड पॉइंट, अगर कर्व के साथ साथ लाइन भी आ जाए, सो लाइन में से कर्व को आपको माइनस करना है। अब इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, ये वाला पार्ट हार्डर नहीं था, हार्ड वाला पार्ट हम फेस कर चुके हैं। सो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, अपर लिमिट क्या है वन, लोअर लिमिट जीरो, ये टू को सेम ऐसे लिखेंगे। सो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अगर मैं वन रखूंगा सो क्या आएगा, वन अपॉन टू, और यहां पर आएगा वन अपॉइंट थ्री, नॉर्मल है ये तो, जीरो रखेंगे, जीरो माइनस जीरो, यस और नो, सो ये टू सेम ऐसे लिखते हैं। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वन अपॉइंट सिक्स आ जाएगा, यानी कि वन अपॉइंट थ्री स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। हाँ है ना, देखो ये वाला एलजेब्रिक कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बिल्कुल बड़ा था ही नहीं, बड़े जो पार्ट थे वो पता चल गया। इस चीज ध्यान रखना, लाइन और कर्व वाला कॉन्सेप्ट, हमेशा लाइन में से कर्व को माइनस करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट से आपको ये इस तरीके से प्ले करना आ जाएगा, जो काफी आसान भी है। होप सो आज का क्वेश्चन और थोड़ा सा मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर भी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को और भी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। अगर आज का क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले आप।